देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो, संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। साथियों, अगले 5 वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है गरीब, दलित, वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए, अब वो बीमारी को छुपाए नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे। आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा, पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था, आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया, आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई,
लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से हर घर जल को अपना मिशन बनाया। आज 11 करोड़ छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भी एनडीए सरकार ही भेज रही है। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं। और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावनाओं को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था।
हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो संविधान दलित पिछड़ा आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। साथियों, अगले पांच वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलित वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बीमारी को छुपाए नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे, आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था, आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ?